हमारे साथ ऋचा जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करती हूँ। ऋचा जी, रोले जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में अपनी बात रखने का ये उनको जिस तरीके से पुरस्कार दिया गया है, आप क्या कहेंगे ऋचा जी, क्या अपनी बात रखने पर निष्कासित करना कितना सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो ना हमसे हमारा पक्ष पूछा और ना ही हमें कोई कारण बताया और ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया और ना पार्टी के संविधान का पालन किया, जिसमें एक कारण बताओ नोटिस जारी होता है और उसके बाद ही किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है। कल सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से हमें ये पता चला कि हमारा निष्कासन कर दिया गया है, और जब मैंने इसका कारण पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि रामचरितमानस के समर्थन में और जो कुछ तथाकथित छद्म समाजवादी हैं जो लगातार रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, उसको बैन करने की बात कर रहे थे, उनका विरोध करने के कारण मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है। क्योंकि मुझे नहीं याद है कि मैंने पार्टी में कभी कोई अनुशासनहीनता की है, लेकिन मेरा देखिए एक स्पष्ट मानना है कि हम भारत देश में निवास करते हैं जो कि संविधान से संचालित होता है, और हमारे देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं अपनी पार्टी में भी लगातार इसी बात को कह रही थी कि भारत में प्रत्येक घर में जो है रामचरितमानस पूजी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, ऐसे में जन भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। और जिस तरीके से एक छद्म समाजवादी जो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी थे में थे, फिर जो है सत्ता में थे और उसके बाद अब वो समाजवादी पार्टी में आए हैं और वो लगातार महिलाओं की और दलितों की बात कर रहे हैं, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि दलितों और वंचितों के लिए अगर संघर्ष करना है, उनको मुख्यधारा में जोड़ना है, तो हमें जमीन पर उतरना होगा। कहते हैं कि मैं लगातार महिलाओं की बात कर रहा हूं और आप दोनों को निष्कासित कर दिया गया, आप दोनों ही ये बात कह रही है कि हमें कुछ बताया नहीं गया, ट्विटर के माध्यम से आप दोनों को पता चला, तो क्या उन्होंने आप दोनों को लेकर पार्टी में कोई रुख रखा वहां सामने अपनी? देखिए, आपने महिलाओं पर सवाल किया है, मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने बहुत से लोगों ने रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्या जी के वक्तव्य का विरोध किया था, उससे असहमति जताई थी, लेकिन निकाला गया केवल दो महिला नेताओं को, निष्कासित किया गया बिना कारण बताए। दूसरी बात, अगर समाजवादी पार्टी में महिलाओं की बात हो रही है तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी पिछले दिनों जो है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें लगभग 70 लोगों की कार्यकारिणी है, जिसमें 5 महिलाओं को भी स्थान नहीं मिला है, लगभग सिर्फ 4 और 5 महिलाएं हैं वहां पे। तो ऐसे में आप राजनीति में महिलाओं की सहभागिता कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, हम लोग लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं और मैंने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी तो मुझे ये उम्मीद थी कि माननीय अखिलेश यादव जी जो युवाओं की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, एक स्वस्थ राजनीति का परिचय देंगे। वहां पर मेरी जाति और मेरे लिंग के कारण, मुझे महिला होने के कारण और एक सवर्ण वर्ग से आने के कारण और रामचरितमानस के समर्थन में खड़े होने के कारण मेरा निष्कासन कर दिया जाएगा, यह अपने आप में दुखद तो है ही, लेकिन यह लोकतंत्र विरोधी है। और अगर आप इसमें लोकतंत्र को बचाने की बार बार दुहाई देते हैं तो आपको सबसे पहले आंतरिक लोकतंत्र को बचाना होगा, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र क्या समाजवादी पार्टी में खत्म हो गया है, जहां पे हमसे ना कारण पूछा गया और ना हमें कारण बताया गया? मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ पूरी समाजवादी पार्टी से और माननीय अखिलेश यादव जी से, क्या समाजवादी पार्टी में इतना नैतिक बल नहीं था? क्या नैतिक बल आप में खत्म हो चुका है कि आप मुझसे कारण बताओ नोटिस जारी करके कारण पूछते और मैं आपको पूरे देश की जनता के सामने अपना रुख स्पष्ट करती, लेकिन आपको पता था कि अगर रामचरितमानस पे आप मुझसे सवाल पूछ लेंगे तो शायद आप अपने गिराबान में नहीं झांक पाएंगे, आपने अपने नैतिक बल का परिचय नहीं दिया। और मुझे समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद नहीं थी, मैं समाजवादी पार्टी में पिछले 10 सालों से जब से मैं राजनीतिक जीवन में सक्रिय हुई तब से मैं हूँ और लगातार मैंने पार्टी के लिए संघर्ष किया, 22 मुकदमे हैं, मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूँ, उसके बावजूद समाजवादी होने के नाते मेरा किसी विश्वविद्यालय में इंटरव्यू नहीं कॉल किया जाता है, हम लोगों ने उसकी कीमत चुकाई है, लेकिन हम लोकतंत्र में जनता के मुद्दों के लिए संघर्षरत थे और इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार थे, लेकिन आप हमारे धर्म ग्रंथों पे अगर कीमत मांगने लगेंगे, आप चाहते हैं कि धर्म ग्रंथों पे अनुचित टिप्पणी करने वालों के सफ में मैं खड़ी हो जाऊं, तो मैं इसके विरोध में हूं। श्री राम हमारे देश की संवैधानिक आत्मा है और मैं अपनी संवैधानिक आत्मा के समर्थन में खड़ी हुई हूँ, उसके साथ खड़ी हुई हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने नैतिक बल का परिचय देना चाहिए और केवल ट्विटर पर राजनीति ना करते हुए ट्विटर पर एक लाइन लिख दिया कि आपको निष्कासित किया जाता है, ना उसका कारण लिखा, तो ये अपने आप में महिला विरोधी भी है। और मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों एक और मेरी एक असहमति हुई थी, जिसमें पार्टी के ट्विटर हैंडल से लगातार महिलाओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था,
माननीय अखिलेश जो है महिलाओं को गाली देने वालों के लिए डीजीपी ऑफिस पहुंच जाते हैं और दो महिलाएं जो अपनी बात कह रही हैं उनको बिना कारण बताए पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। तो देश देख रहा है और महिलाएं देख रही हैं और इस देश का युवा देख रहा है, ये युवाओं को हतोत्साहित करने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।